हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 8:30, और आज हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि गाड़ी में पापा भी रहेंगे, पापा भी हम लोगों के साथ ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी मैं। इसी वजह से मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। और ये देखिए सारा मेरा बिस्तर यहाँ से हट गया है, और मैं इसको अपने ये वाले बक्से में, ये मेरा बक्सा है, बक्सा बोलते हैं हम, और मुझे नहीं पता तुम क्या बोलते हो, तो इस बक्से में मैंने रख दिया है। तो बस फटाफट से हम निकलेंगे। साड़ी पहनी हूँ, स्वेटर मेरा गीला है, कलर पड़ गया था, तो ये शॉल लूँगी, इसके बाद हम निकलेंगे। तो चलिए अब हम निकलते हैं। ए बेटू ले रहे हमको गाड़ी दे देना शॉल, हम तौलिया नहीं लेंगे, ले जाओ। चलिए अब हम चलते हैं। बाबू को देखिए, बाबू कहाँ, चप्पल किसका है, कौन सा, ये क्या करना है, तुमको बताया नहीं कि ले चलना वहाँ धुलना है, जब भी बताई हूँ, वो उसका उसका अंजू का है। बाबू नहीं जगा, मिल गई क्या, नीचे रहा, बाबू नहीं जगा क्या, ए बाबू ये दादी बोला उठी है, बाबू बाबू दादी बोला। चलिए बाबू से मिलने, सो रहा है क्या, ये सो रहा बाबू। चलो उनकी मम्मी उठा रही भैया है, वो नानी चली गई, वो नानी गई, पापा गोदी ले, उठा ही नहीं, गांव जा रही है क्या विक्रम के, जब बिहार लाऊं पेपरमिंट कह रही है कि जाता ही नहीं है कि जा लाए आवाए रुदम भार सबको दिया खा कर रहा है। चल ले बेटू, चलो सोसो कर लो, चले वरना अभी चिल्लाने लगेंगे। बाबू पाई चलेगा क्या, हैं दिखा दो कैमले में, छपको कैमले छपको तुत्तू करके दिखा दो, बाबू तुत्तू कर ला, चले चलो से बोल ले, मम्मा से चलो, आओ आओ हमारे पास आ जाओ, जा मम्मा के आओ, रुक जाओ खड़ी हो जाओ, तो मैं ले इसको ले लो, तो ले लो पछा ले लो, पछा ले लो, पछा ले लो, पछा ले लो, देख रहा है देखो, अले देखो, अच्छा मम्मा पास आ जाता, मम्मा पास नहीं जा रहा था, चले चल अंजू ले जा रहे हैं, चलो चले हम लोग, चलो चलो चले, मम्मा मुंह ढक ले तब चले ना, चले 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 चले, चलो 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 चलो, ये जो कुछ छप जा रहा है, छप जा रहे हैं, हम लोग नहीं चले, चलो भैया चलो चलो चलो, मोबाइल में देखो, मोबाइल में देखो, अच्छा ये बैठा है क्या बाबू, चले बाबू ले चले, हाँ चलो बाबू ले चले, चले चलो, कह रही बाबू के लिए चलो चलो, चलो ले
लेने जा रही है बाबू को। नहीं लेने तो पैसा लाई ले बाबू। जो तो बाबू का बैठ गई। हाँ हाँ। सीसा क्यों नहीं खोल रहा? चलो। आ जाओ। जाओ दादी। बाबू पास जाओ। पापा बैठो। रुक जा पापा बाबा बैठ जा फिर तुम बैठना बाबा के ऊपर। बाय बाय बोलो। बाय बाय। सबसे बाय बाय कर लो। चलो बाद में आएंगे बता दो। चलो मैं आ कर दो। चले तो गाइस बस अब हम गांव से निकल चुके हैं, कुछ दूरी पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा मैंने कहा आपको बाहर का भी व्यू दिखा देती हूं। आप लोग बोलते थे आपके गांव के बाहर का व्यू आप नहीं दिखाते हो, तो थोड़ा सा दिखा देती हूं। आप लोग भी साथ ही साथ एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि मेरे गाँव का व्यू आप लोगों को कैसा लगा। गाँव के अंदर कहीं अभी हम चौराहे पर नहीं पहुँचे, जो चौराहा होता है गाँव वाला, तो बस अभी हमें वहाँ पहुँचना है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से, घर पहुँचूंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी, ठीक है। और घर से बिल्कुल आने का मन नहीं करता, जब वहाँ पर जाओ तो ये होता है कि सबके साथ कितना हो सके, कितना ज़्यादा हम टाइम बिता सके अपना और इन्जॉय कर सके। जब वहाँ पर मैं जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता, और मुझे ब्लॉगिंग करने में भी वहाँ पर अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लॉगिंग वहीं पर अच्छी लगती है जहाँ पर सब लोग होते हैं। और मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग इस वजह से बहुत कम करती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ और पापा चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, अकेले ब्लॉगिंग में यार उतना नहीं अच्छा लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे ब्लॉगिंग अच्छी ही नहीं लगती है। गांव में मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत ही पसंद है, इसी वजह से मैं गांव की ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यही था। बाबू को तो आपने देख ही लिया, बहुत ज़्यादा क्यूट हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अभी उसकी यादें आएंगी कुछ दिन तक। अभी तो फ़िलहाल वो कुछ भी नहीं बोलता है, अभी 6 मंथ कंप्लीट हुआ है, 7 मंथ कंप्लीट हुआ है ऐसी। तो बाबू का जिस टाइम में बाबू हुई थी सेम टाइम में वो भी हुआ था। तो बस यही है, अब इसके बाद देखो फिर कब जाना होता है, फिर कब गांव की ब्लॉगिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। गांव की ब्लॉगिंग मुझे भी अच्छी लगती करने में, साथ ही साथ आप लोगों को भी पसंद आती है गांव की ब्लॉगिंग, लगता है देखकर आप लोगों को समझ में आ जाता है। इतने दिन से आप लोगों के साथ हूँ तो इतना तो समझ सकती ही हूँ कि आप लोगों को क्या पसंद आता है और क्या नहीं पसंद आता है। तो इस बार मैंने आपको सभी कुछ दिखा दिया, अपना रूम भी दिखा दिया और देवरानी जी का भी दिखा दिया, मतलब सब कुछ दिखा दिया, अब कुछ ही नहीं बाकी है रूम वगैरह दिखाने का वहाँ का। तो बस यही होता है, लोग कुछ भी बातें बनाते हैं, मुझे पता है बहुत से लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं जो मैसेज करते हैं, ठीक है यार, हम मुझे उतना माइंड नहीं लगता कि आप लोगों को जो समझना है समझो। अब मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ तो उतना मैं भी अपने रूम को वो नहीं करती हूँ कि ये चीज़ें हटाओ वो चीज़ें रखो, तो जो जैसा है जैसी है वो मुझे ठीक लगता है। कोई मतलब का भी नहीं है कि एक दिन के लिए मैं जाऊँ तो वो चीज़ें करूँ। तो आप समझ सकते हो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था इस विषय में, उस टॉपिक को मैं उतना नहीं खींचना चाहती हूँ। तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, जो जैसा है वैसा ठीक है, जब तक चल रहा है जब तक चल रहा है, फिर आगे अगर ठीक है थोड़ा बहुत ठीक करूँगी मैं, आप लोगों की भी बात रखूँगी मैं, रूम को थोड़ा सा ठीक करूँगी, इस बार जाऊँगी तो कर लूँगी, मम्मी से बोल दूँगी। तो बस वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ, दूसरा ब्लॉग देखती हूँ कब जाएगा। तो मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।